दीनबंधो जगतपते ओनली गोपीश कर को तो गोपिका नेटवर्क कांत श्री राधा बंद होता है, कांत नमस्तुते बंद तप्त होता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में जथा जो प्रणाम करता हूँ। कति जो ग्रंथ है फिलहाल प्रभुपाद का उपदेश सामृत है। कहते प्रभुपाद को भक्तों ने अलग अलग समय पर अलग अलग क्वेश्चन किया, प्रभुपाद ने इसका जो उत्तर दिया है ये ग्रंथ में ये विद्यमान है। कहते श्रील प्रभुपाद कौन है, बोले राधा रानी की नयन मणि मंजरी। जब ये गोलक वृंदावन में राधा रानी की सेवा में नियुक्त थे तब राधा रानी इनका आदेश दिया, बोले नयन मणि मंजरी जाओ संसार में जो जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं उनको उधार करके मेरे पास में तुम ले आओ। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसी जगत में आ करके जो उपदेश दिया है अगर इसको कोई जीवन में ग्रहण करेगा तो वह जरूर गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज की सेवा जरूर उसको प्राप्त होगी, क्योंकि वो वही सही आए हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मेरे जो गौड़ीय मठ मैंने जो स्थापन की, मेरे गृहस्थों का जो भक्तों का जो घर है वो घर नहीं, मैंने राधा रानी की निकुंज मंदिर को वहाँ पर मैंने स्थापन किया है। इसलिए जिस दिन गृह भजन देखी गृह थे लोक भाई, जिस दिन घर में कीर्तन हो हरि कथा हो घर में भगवत पूजा सेवा हो कहते वही घर ही श्री वृंदावन धाम है। इसलिए पहले मैंने जहाँ जहाँ पर गया मैंने वो क्लास को दिया है, उसको बाद में जो प्रश्न उत्तर है हम एक दो प्रश्न उत्तर श्रवण करेंगे। कहते कृष्ण का पूर्ण कृपा लाभेर उपाय की। कृष्ण सबको तो कृपा करते हैं, उनको कृपा ही कृपा है, लेकिन होने पर भी कहते उनको पूर्ण कृपा प्राप्ति करने का क्या उपाय है? तो इसका उत्तर में प्रभुपाद देते हैं, बोले श्री भार सभा नबी गणे श्री रूपानुग गणे गणित तो है लई कृष्ण पूर्ण कृपा लाभ करा जाए। कहते जब हम श्री राधा रानी की गण में गणित तो होएंगे, हाँ राधा रानी की अनुगत्य में हम गणित होएंगे, वो कैसे हो सकते हैं, बोले जब तक श्री रूपानुगत्य को केव ग्रहण नहीं करे वो संपूर्ण रूप में राधा रानी की गण में गणित नहीं हो सकते। इसलिए हमारे जितने गुरुवर्ग हुए हैं वो सब के सब एक चीज प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, बोले सुनियाची साधु मुखे बोले सर्व जन श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। बोले जब तक श्री रूपानुगत को कोई ग्रहण नहीं करते हैं, हमने साधु मुख से ही सुना है किसको कृपा में जुगल सरकार की सेवा मिली गई, बोले श्री रूप गोस्वामी की कृपा से है।
श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे आई वे आकोती, कवि हम बोझ बसे जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हमारी आस किसकी चरण में रहो, रूप रघुनाथ के चरण में हमारी आस हो हैं। इसलिए इनकी कृपा से ही जुगल शरण की प्राप्ति होगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब जब एक एक अध्याय को समाप्त करते हैं उसमें क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। हर अध्याय के लास्ट में रूपानुगत की प्रार्थना करते हैं। बोले क्यों, कारण क्या है? बोले जब हम इनकी अनुगत्य को स्वीकार करते हैं, इनके अनुगत्य की, बोले राधा रानी को जो निकुंज सेवा में इनके पूर्ण अधिकार होता है, इसमें पूर्ण अधिकार होता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, प्राण पृष्ठ कुला दबी असंचकित भूमिका। कहते जब इनकी अनुगत करते हैं, मैंने जीवन में सेवा, सेवा ही जीवन का मूल है, हैं? जितना जो सेवा करेगा उसको उतना आनंद होगा, इसलिए सेवा ही जीवन का मूल धर्म है। तो राधा कृष्ण की जो सेवा पूर्ण रूप में किसको प्राप्त होता है, कहते श्री राधा रानी के गण में जब गणित होते हैं। जैसे उनकी तीन तरह का सेविका है, सखियाँ हैं, तटस्थ है, उनका विपक्ष है और एक सपक्ष है। इसलिए उनको जो विपक्ष है कौन है, कहते चंद्रावली आदि जो केवल कृष्ण सुख में सुखी मानते हैं। दूसरा है तटस्थ, तटस्थ कौन है, जो राधा रानी के पक्ष में भी है और उसके कृष्ण पक्ष में भी है, लेकिन होने पर भी राधा रानी के पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं। कहते ये स्वपक्ष कौन है, जो केवल राधा रानी के सुख में सुखी और राधा रानी का दुख में जो दुखी हैं। इनको पूछा जाए, भैया कृष्ण तुम्हारे क्या लगते हैं, बोले भैया डायरेक्ट कोई हमारे संबंध नहीं कृष्ण से, हमारे संबंध तो डायरेक्ट श्री राधा रानी को साथ में, हाँ इसलिए कृष्ण संबंध का, क्योंकि राधा रानी की प्रियतम लगते हैं, लेकिन हम तो हर समय श्री अमित तो राधे का पक्ष पाती सता कभू ना ही हरिता। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं, हम तो हर समय श्री राधा रानी का पक्ष लेने वाले। जे भावे से भावे थाके हैं, राधा पद छाड़ी जे जन से जन, जे भावे से भावे थाके, मतलब जो व्यक्ति राधा रानी को चरण को छोड़ करके जे से भाव क्यों नहीं रहे, लेकिन हम तो क्या है, हम तो श्री किशोर जी के ही पक्ष में हम रहने वाले हैं। इसलिए बोले राधिकार दासी जदि भाई अभिमान, शीघ्र मिलाई तब गोकुल गान। अगर इसकी ये अभिमान हो जाए, हम तो श्री राधा रानी की दासी है, तो कृष्ण उनको जल्दी से जल्दी कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते जिस सेवा में प्राण प्रेष्ठ सखी, मतलब ललिता भी सखाती, जिस सेवा में प्रवेश करने के लिए उनको द्विधावध होता है, प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो राधा रानी की अनुगत्य में जो मंजरियाँ हैं वो छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी होने का नाते आसानी से प्रवेश करते हुए सारी सेवा को प्राप्त कर लेते, इसलिए मूल है सेवा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं एक श्लोक के द्वारा पद्यावली ग्रंथ में, कृष्ण को पूछा जाए तुम कौन हो, कृष्ण एक ही परिचय देंगे, हम तो परम परम परात्पर तत्व हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं, मैं आत्माराम आपताम, उनको इतना परिचय, कोई परिचय नहीं। लेकिन राधा रानी को पूछा जाए भैया तुम कौन हो, वो सीधा कृष्ण की चरण को दर्शन करते हुए बोलेंगे तो हम श्री श्याम सुंदर की दासी, श्याम सुंदर की दासी। और ललिता विशा का पूछा जाए तुम कौन हो, बोले उन्होंने बोलेंगे हैं
कदन राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति हार नाही मोर। वो क्या बोलेंगे, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवन मरण गति हार नाही मोर है। अगर रूप गोस्वामी को पूछा जाए, रूप मंजर को पूछा जाए, तुम कौन हो, वो बोलेंगे हम श्री ललिता की अनुगत्य में श्री जुगल सरकार की सेवा को करती हैं। अगर उसको नीचे कमल मंजिल को पूछेंगे भक्त ठाकुर तुम कौन हो, बोलेंगे भैया हम तो श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ये सब की सेवा करने वाले। उनको पीछे विनोद मंदिर को पूछोगे हैं श्री भक्ति प्रभुपाद को नयनमणि मंदिर को, बोले भैया हम तो अपना गुरु की अनुगत्य में ये सब का सेवा करने वाले। उसको नीचे विनोद मंजरी, उसको पीछे रमन मंजरी को पूछोगे भैया तुम कौन, बोले सबका सेवा करने वाले। इसलिए कहते भैया जो सेवा है लोगों को लगेगा भाई इतना लोगों को सेवा करना तो बड़ा कष्ट है हाँ, इनके अनुगत्य में उनकी सेवा उनकी की सेवा सबकी सेवा कर तो कठिन केवल नहीं। कहते रस जितना नीचे उतरती है उतना आनंद है। इसलिए श्री भागवत में बताए सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, भागवत में मीठा मीठा था ही लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी मुंह से ये निकली उसमें और भी मिठास आ गई। बोले क्यों, कहते पहले ये रस किसने पान किया, कृष्णा, कृष्ण का जो रस कौन पान उसने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी वो फल को खाए, मतलब वो फल में किसका रस है, पहले कृष्ण का अधरामृत उसके बाद ब्रह्मा जी का अधरामृत लगी, फिर उसको नीचे जब आए नारद जी को दिए उसके नारद जी का अधरामृत लगी, उसको नीचे जब आए श्री व्यास देव को दिए उसको भी अधरामृत लगी, लेकिन जब लास्ट में श्री सुखदेव गोस्वामी को आए ये सभी का अधरामृत इसी में। इसलिए जो नीचे रहते हैं ना सभी का प्रसाद नीचे वाले व्यक्ति को सारे कृपा रस मिलता है। और रूप गोस्वामी और एक बात कहते हैं जैसे राधा कृष्ण जो प्रसाद पाए उनकी सेवा राधा रानी करती है, लेकिन राधा रानी को कितना आनंद होती है, क्यों कृष्ण कलयुग में राधा जी की भाव अंग लेकर क्यों आए, बोले कृष्ण देखा मुझे जो आनंद मिलता है राधा रानी मेरे को दर्शन करके सेवा करके कोटि गुण ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, कोटि गुण, बोले उनका सेवा करके उससे कोटि गुण किसको प्राप्त होता है, ललिता की सखा को, बोले उनके अनुगत में रूप गोस्वामी की, कहते उनसे कोटि गुण इनके ज्यादा आनंद होता है। इसलिए कभी कभी महाप्रभु मंजरी भाव से कभी कभी राधा कुंड में राधा कृष्ण लीला दर्शन करते हुए आनंद का अनुभूति करते हैं। उनके नीचे जो आए कमल मंजरी और नयनमणि मंजरी इनके और कोटि गुण ज्यादा आनंद, करते 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 जब नीचे आया ना आनंद है, नीचे आनंद जो आया है वो सबके सब का सब सदानंद नीचे व्यक्ति का ही प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया कहते कृष्ण कृष्ण का पूर्ण कृपा किसको लाभ होता है, मतलब उसकी ही कृष्ण की पूर्ण कृपा उसको प्राप्त होता है जो श्री भार से भान विरह गणे, मतलब राधा रानी की गण में गणित तो होकर के श्री रूपानुग गण गणित तो है ही, श्री रूपानुग अनुगत्य गणित तो गणित तो होने पर कृष्ण की पूर्ण कृपा तभी जीव को प्राप्त होगा। हाँ कृष्ण की कृपा उनका जो शांत रस का भक्तों को भी मिलता है, उनकी सख्य रस का भक्तों को भी मिलता है, उनका दास्य रस के भक्तों को मिलता है, उनका श्री बात्सल रस को भक्तों को मिलता है, श्रृंगार रस भक्तों को मिलता है, लेकिन मिलने पर भी श्रृंगार रस में भी बहुत सारे भेद है, हाँ बहुत सारे भेद है, लेकिन जो राधा रानी की अनुगत्य में भक्ति करते हैं उनको पूर्ण कृपा कृष्ण की तभी मिलेगी, तब भी उनकी कृष्ण की पूर्ण सेवा उसको प्राप्त होता है। इसलिए श्री रूपानुग वर श्री गुरुपाद पद्मेर पदोधुलिबा किंकर पारिले ही सही सौभाग्य लाभ करा जाए। इसलिए हमें कौन सा गुरु जी की अनुगत्य में हमें सेवा करनी चाहिए है, कौन सा गुरु जी की, बोले जो रूपानुग वर जो रूपानुग अनुगत्य में जो आए हैं उनकी जब हम शरणागत होंगे तब भी हमें पूर्ण कृष्ण कृपा प्राप्त होगा, नहीं तो हमें प्राप्त नहीं होगा, नहीं तो हम नारायण भक्ति में चले जाएंगे, किसी राम भक्ति में चले जाएंगे, किसी सुखिया भक्ति राधा कृष्ण की भक्ति होने पर भी
कदनिम्बार्क संप्रदाय में वो सुखिया भक्ति और परखिया भक्ति नहीं है, है? परखिया भक्ति नहीं है। इसलिए कद एजन आमादेर प्रत्येक रही त्रिनादपि सुनिच हुआ प्रयोजन। कद भक्ति पाने के लिए उपाय क्या है, इसलिए महापुरुष का उपाय देते हैं। त्रिनादपि सुनिच न थररपि सहिष्णुना अमानीनांगमान देना कीर्तनीय सदा है। महाप्रभु कहते हैं वो भक्ति करने के लिए क्या गुण लाओ, चार गुण लाओ, तृण से भी ज्यादा दीनहीन, पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति, स्वयं अमानी बनो, सबको यथाजोग्य सम्मान दो। जीवर सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान, हर जीव का हृदय में कृष्ण की निवास है, इसलिए क्या करनी चाहिए, जथा योग्य सबको सम्मान दो। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ले बड़ कृपा करी गौरव नमाजे गोद्रु में दिया स्थान। इसी भजन में कहते हैं कहते गुरुदेव आप कृपा करके हमें बड़ा कृपा करके गोद्रु में हमें स्थान दिया है। इसलिए बोले सकल सहने बल दिया कर निज माने स्प्रिया हीन। क्या करो हमें जैसे हम सबको सम्मान दे सके, खुद सम्मान की भूखा नहीं रखनी चाहिए, है खुद सम्मान के लिए हमें इज्जत दे, हमें प्रतिष्ठा दे, सभी को बीच में हमारी जय जयकार हो। जो व्यक्ति चिंता करते हैं ना उनको कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो त्रिनाथ विष्णु नीचे होकर भक्ति करता है, जैसे माधवेंद्रपुरी भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी उनके लिए खीर चुराया, उन्होंने देखा भैया सवेरे होते ही पुजारी जाकर बोल देगा ठाकुर जी इनके लिए खीर चुराया, फिर क्या होगा विश्व ब्रह्मांड सारा दुनिया बोले ठाकुर जी खीर चुराया इनके लिए, सारा दुनिया मेरे को आकर के प्रतिष्ठा देने के लिए आएंगे। वो राते राते भाग गए वहां से, प्रतिष्ठा रे पूरी चाय पलाया, प्रतिष्ठा के डर से पर माधवेंद्र भाग गए वहां से, लेकिन प्रतिष्ठा स्वभाव क्या है, हैं वो पूरी पहुंचने से पहले ही जगन्नाथ स्वप्न दे दिया राजा को, मेरे एक भक्त आ रहे हैं माधवेंद्रपुरी ब्रज से, इसलिए उनके लिए चंदन का लकड़ी देना। वो वहां पहुंचने से पहले राजा स्वागत करने के लिए फूलों की माला लेकर के राजा स्वागत करने के लिए पहले से ही वो तैयारी बैठी है। इसलिए जब भगवान किसको प्रतिष्ठा देते हैं ना, फिर तो सारा दुनिया में अपने आप उनके जयकार होता है। अगर भगवान किसको प्रतिष्ठा नहीं देते ना, जो सोचता है हमें प्रतिष्ठा मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, मेरे नाम क्यों नहीं हो रहा है यार दुनिया में कोई नहीं पूछता है, कोई उनको नहीं जगत को पूछता है। इसलिए त्रिनादपि सुनिचि होकर के जब हम निष्कपट होकर भक्ति करेंगे, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं साधन का दो लक्षण है, क्लेशग्नि सुभद्रा। क्लेशग्नि मतलब जब साधन का जब सही साधन करेंगे, साधन अवस्था में हमारे जितने क्लेश है जितने दुख है सबके सब खत्म हो जाती है, और सुभदा मतलब होता है सर्वत्र उसकी मंगल मंगलमय होता है, सारा दुनिया में उसकी जय जयकार होता है सारा दुनिया में, है जैसे हमारे जितने भक्त लोग हुए थोड़ी कोई बोले हमारी पूजा करो हमारी सेवा करो हमारे नाम सुनो, कि तो अपने आप सारा दुनिया में उसकी जय जयकार होता है। इसलिए जहा 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 अच्छे ताहा छाड़ी आदिया निज के गुरु के किंकर ओ श्री नामेर सेवक बोलिया जानाई त्रिनादपि सुनिचेन। कहते ये त्रिनादपि सुनिचेन का मतलब क्या होता है, कहते इसका मतलब होता है जिसको जो वस्तु है, जिसको पास में जो वस्तु है उसको क्या करनी चाहिए, उसको छोड़ करके छाड़िया दिया निज के गुरु किंग कर नामेर सेवक बलिया जानी लई त्रिनादपि सुनिचि। कहते भैया त्रिनादपि सुनिचि होनी चाहिए, लेकिन त्रिनादपि सुनिचि होएंगे कैसे। उसका उपाय प्रभुपाद कहते हैं जिसका जो वस्तु है उसका क्या करो, उसको छोड़ करके अपने आप को क्या समझो, हम गुरु जी का ही किंकर है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं,
त्वद्भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। बोले हे ठाकुर जी, हमें आप किस रूप में मानो? बोले त्वद्भृत्य, तुम्हारी जो नौकर है उसका जो दास है, उनका जो दास है, उनकी दासों का दास रूप में हमें गणित करो। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले हा देवी का कुभर गद गद आद्य वाचा जाचे निपत्य धनवत उद्भटार्थी अस्य प्रसादत अभस्य कृत्या गांधर्वी के तब गणे गणनाम विधे। बोले राधे, आपके चरण में हम बारंबार प्रार्थना करते, क्या काकुत विनती होकर के आपके चरण में गिर करके बारंबार प्रार्थना करते हैं, क्या करो मेरे जो नाम है ना आपका रजिस्टर में, आपका जितना दासी है सबसे नीचे हमारा नाम लिख दो, सबके नीचे हमारे नाम को, सबका नीचे हमारे नाम लिख दो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, क्या समझो तुम्हारी जो चीज़ है उसको छोड़ करके बाद जो चीज़ हमारी है उसको क्या समझो, ये सब सब गुरु वैष्णव की सेवा की वस्तु है, इसमें हमारी कोई चीज़ नहीं, भगवान कृपा करके हमें दिया, ये सब भगवान की सेवा की ही सारे वस्तु है। एवं और क्या करो, श्री नामेर सेवक बोलिया जाना है त्रिनादपि सुनिच, अपने आप को क्या समझनी चाहिए, बोले जो भगवान का जो नाम है उसका हम सेवक है, भगवान के नाम का सेवक है, क्यों? हरि से बड़ा हरि का नाम, अभिन्नत्वात नाम नामिन, कृष्ण और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, हर समय उनका सेवक होनी चाहिए। सेवक का मतलब क्या है? सेवक का मतलब है हर समय हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु बोलते ना कि शयने की भोजने की वा जागरणी अहर निश्चिंत कृष्ण बोलने, हर समय क्या करो, सोते उठते जगते चलते हर समय भगवान का नाम लो। बोलो भैया सोते सोते कैसे हरि नाम लो, चलते फिरते उठते तो हरि नाम कर सकते लेकिन सोते सोते फिर कैसे हरि नाम लेंगे। इसलिए हमारे गोस्वामियों का चरित्र में दिखाया है, चार ही दंड सुते था कि और सुते समय क्या होता है, स्वप्ने राधा गोविंद दुखे, दिन भर तो हरि नाम करते हैं, कभी एक आध घंटा कभी सो भी गए ना, बस सोते समय सपने में क्या देखते हैं, राधा गोविंद को दर्शन करते हैं। अब देखो, अब किसी चीज में एकदम आविष्ट हो जाओ, किसी चीज में अब संपूर्ण आविष्ट हो जाओ, अब देखना जिस चीज में आपका आविष्टता हो जाएगी ना, अब देखना वही चीज सोते समय भी सोते समय भी आपकी वही स्वप्न आती, वही स्वप्न आती जिस भी चीज में हम अभिष्टता हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण का पूर्ण कृपा उसको ही प्राप्त होगा जो श्री वार्षभान विदेवी हैं, कहते श्री राधा रानी की अनुगत्य में श्री रूपानुगत्व को ग्रहण करते हुए जो सेवा करते हैं उसको जीवन पूर्ण कृपा, उनको श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा उसकी ही प्राप्त होती है, और इतनी कृपा प्राप्ति होती है जिसको हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, देखो कितने कृपा है, बल जत की करी सुभाव स खलु काकुवाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रस निधे वृषभानुजाया तत्खील कुंज भवनांग निमार्जनिशा। जो कितने उसको कृष्ण की कृपा पूर्ण रूप में कैसे प्राप्त होता है, कैसे, इसलिए कहीं एक श्लोक आया है, कहते राधा रानी की कृपा बल से हम इतने बलियान हैं, हैं इतना बलियान भी कृष्ण को भी शासन करने में ये समर्थ रखती है, कृष्ण को भी शासन कर, कृष्ण का हम कुछ नहीं करते क्योंकि राधा रानी की कृपा से हम इतने बलियान हैं, हैं। इसलिए यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जिस कुंज में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई, बल आज तक मैं किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहती हैं, हैं जितने, इसलिए जो भ्रूर जो काली रंग है ना उसको भी चंदन से सफेद कर दो, बोले छोटी को अपनी फूलों की माला से सफेद कर दो, कोई काला चीज देखना नहीं चाहती हूँ, किसी काले चीज को अंदर में आने नहीं देना। इसलिए अपना सखी मंजरी को दरवाजे के सामने खड़े कर देती, कृष्ण देखो मतलब कृष्ण कृपा कैसे पूर्ण कृपा, कैसे कृष्ण की, बोले
जत की करीसु बहुत सो खालुक खालुक आको बाणी बोले राधा रानी की बात छोड़ दो, जो किंग करियो के चरण में भी किंग करियो के चरण में कृष्ण स्वयं रात पर तत्व हतो के हाथ जोड़ कर कहते हैं थोड़ी सी तुम्हारी स्वामिनी श्री राधा रानी के दर्शन कर दो, राधा रानी के दर्शन कर दो। किसकी चरण में? बोले उनकी किंग करी के चरण में। कौन? जो परात पर तत्व परम ब्रह्म, वो कहते हैं उनकी किंग करी के चरण हमें थोड़ी सी दर्शन करा दो। बोले इसलिए प्रभुपाद कहते कृष्ण का जो पूर्ण कृपा है, हैं कृष्ण की जो पूर्ण कृपा किसको प्राप्त होता है? बोले उन्हीं को ही प्राप्त होता है कृष्ण भी, जिनकी चरण में प्रार्थना करते हाथ जोड़ करके काकुति मुक्ति होकर के इनकी चरण में। तो समझो ये राधा रानी की कृपा प्राप्त होने का नाते इनके अंदर में कितने साहस है, कितने इनके अंदर में साहस है। इसलिए भैया रूपानुगत तो होकर के क्या करनी चाहिए हमें? सुगर सरकार की हमें करनी चाहिए और ऐसे गुरु परंपरा को हमें आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तब भी कृष्ण की पूर्ण कृपा मिले। उसके बाद में कहते भैया गुरु के गुरु हरते पारे, बड़ा सुंदर प्रश्न है सचमुच से। प्रभुपाद को जो प्रश्न किए, प्रभुपाद जो उत्तर दिया ना, ये ग्रंथ भाई अनमोल ग्रंथ है। एक ग्रंथ को ले लो सारा जीवन ये ग्रंथ में जीवन चले जाए। तो प्रभुपाद स्वयं इसका उत्तर प्रभुपाद स्वयं दे रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद सारे शास्त्र का निचोड़ ये ग्रंथ में उन्होंने दिया है। इसलिए कहते हैं भैया गुरु कौन हो सकता है? कहते जे निज के वैष्णव मन करे से ब्रांडेड अवैष्णव। ब्रांडेड मतलब क्या होता है? ब्रांडेड क्या होता है? किसी कोई कंपनी से कुछ खरीदते हैं कहते ये अवैष्णव। जो कितनी बड़ी बात प्रभुपाद ने बोली बताया। कहते गुरु कौन हो सकता है? मतलब जो अपने आप को गुरु मानता है, जो अपने आप को वैष्णव मानता है, कहते भैया वो वैष्णव नहीं, वो अवैष्णव का छाप है, हैं? इसलिए कभी भी वैष्णव अपने आप को वैष्णव नहीं मानते हैं। इसलिए श्री भक्तिमय ठाकुर कहते हैं आमित वैष्णव ए बुद्धि हैले अमानी नाहक आमी प्रतिष्ठा सासी हृदय दोषी वे हाईवानी रायगामी। इसलिए श्री भक्तिमय ठाकुर कहते हैं आमित वैष्णव ए बुद्धि हैले अमानी नाहवामी। जब हमारे अंदर में ये अभिमान आता है, अरे हम तो वैष्णव है, हैं, अरे हम बड़े, हमसे कौन बड़ा वैष्णव हो सकता है, हम तो सबसे बड़े वैष्णव है। अगर इसके अंदर ये अभिमान होता है अमानी नाहवामी, सोचना मैं स्वयं वैष्णव, हम किसको सम्मान देंगे? सारा दुनिया हमारे पास में आएंगे, हम क्या किसको सम्मान देंगे? इसलिए हम किसको सम्मान देने का जरूरत नहीं, हम तो इतने बड़े, हाँ हम तो इतने बड़े मठाधीश, इतने बड़े हम विद्वान, इतने बड़े पंडित, हम इतने बड़े साधु हैं। नहीं, वो ब्रांडेड मतलब छापा वो अवैष्णव है, वो वैष्णव नहीं। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि अहिले अमानी ना हवामी, हम किसको सम्मान पर नहीं दे सकते हैं। बोले प्रतिष्ठा सा आसी हृदय दूषी हुए, उसमें प्रतिष्ठा आकर क्या होगा? हमारे हृदय को दूषण कर देगा, हृदय को हमारी दूषित तो कर देगा। हई व निरयगामी, तक हम धीरे 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 नीचे चले जाएंगे। इसलिए कभी अपने आप को वैष्णव नहीं माननी चाहिए, फिर क्या माननी चाहिए? हम वैष्णव का दासों का दासों का दासों का दास, उनके चरण की हम धोली माननी चाहिए, हैं? इसलिए उसमें भी कहते हैं जब अपने आप को वैष्णव मानेंगे फिर क्या करेंगे? फिर उसमें कहते हैं फिर उच्चिष्ठादि जाने हबे अभिमान वार, निजे श्रेष्ठ जाने उच्चिष्ठादि जाने हबे अभिमान भार, ताई शिष्य थवा थाकिया सर्वदा ना लई व सेवा कर। उसके बाद में कहते हैं जब हम अपने अपने आप को बड़े मानने लगे जाएंगे फिर क्या करेंगे? उच्चिष्ठादि जाने
फिर सबका प्रसाद सबको दे, अपना प्रसाद सबको देना शुरू कर दे, क्योंकि हम सोचेंगे हम तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, हम तो वैसे बहुत बड़े वैष्णव हैं, सब फिर अपना प्रसाद सबको देना शुरू कर दे। इसलिए कहते फिर देने पर क्या होगा, फिर अभिमान हवे भार, फिर अपने आप को अभिमान आएगा है। इसलिए कहते ताई शिष्य थव थाकिया सर्वदा, इसलिए हम क्या करेंगे हर समय हम वैष्णव का दास समझ करके ताई शिष्य थव थाकिया सर्वदा ना लाइव सेवा कार, फिर हम किसकी सेवा को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिसकी सेवा ग्रहण करेंगे ना फिर उनको कुछ देना पड़ता है, कुछ हमें ऐसे नहीं कोई हम सेवा ले लिया उसको फिर हमें कुछ देना पड़ता है, जो सेवा करेगा ऐसे थोड़ी सेवा करेगा, वो तो हमें से कुछ ले रहा है ना, कुछ तो हमसे ले रहे, इसलिए हमने देखा भक्ति वही हो पूरी गोस्वामी महाराज, भक्ति वही हो उड़िया थे पहले, उनका जो मठ है पहले हमारे वृंदावन में नहीं था, पहले मथुरा में रहते थे, फिर हमारे वृंदावन रूप सनातन मठ में रहते थे, प्रभु सहज में ना अपना सेवा को सहज में किसको देना नहीं चाहते, सहज में किसको देना नहीं चाहते, किसको शिशु को फटकने नहीं देते सहज में है, किसको फटकने नहीं देते थे किसको, क्योंकि उनको पता है जिसे सेवा लेना उसको कुछ देना पड़ेगा, वो कहीं से सेवा कोई नहीं करते, अपना कपड़ा सफाई करना, अपना घर में झाड़ू लगाना, अपना सेवा करना, खुद सेवा करते थे। लेकिन जब वो आते थे मथुरा में हमारे प्रेमानंद बड़ी सेवा करते थे, प्रेमानंद बड़ी उनको बहुत प्रेमानंद सेवा करते थे, इसलिए वो उनका सेवक कहते थे अगर सेवा सीखना जाओ प्रेमानंद प्रभु के पास में जाओ, उनको बोलते जाओ प्रेमानंद, क्योंकि प्रेमानंद प्रभु जो वैष्णव आते थे ना भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, भक्ति गुरी गोस्वामी महाराज प्रभु, उनको पास में बैठ बैठ करके उनको आम की जूस और प्रसाद बैठा बैठा करके उनको खिलाया करते थे, ये प्रेमानंद अंदर में विशेष गुण थे, सब वैष्णव को सेवा करना प्राकृत, सब वैष्णव को सेवा करना। इसलिए यहाँ पर कहते जो व्यक्ति अपने आप को वैष्णव मानता है वो छापा दिया हुआ अवैष्णव है, वो कभी वैष्णव नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव पद है ना सर्वश्रेष्ठ पद वैष्णव पद है, सर्वश्रेष्ठ पद, इससे बड़ा पद दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना उसमें क्या भक्तिवेन ठाकुर कहते हैं वैष्णव प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा, हाँ प्रतिष्ठा हमें चाहिए, प्रतिष्ठा हमें चाहिए, किस चीज की प्रतिष्ठा करो एक दिन ऐसे हो पाए जैसे वैष्णव का दासों का दासों का दास बन पाए, इनसे बताओ हनुमान जैसे बड़े व्यक्ति हो सकता है, ध्रुव प्रहलाद जैसे बड़े व्यक्ति हो सकता है, हैं तुलसीदास जैसे कोई बड़े हो सकते हैं, अम्बरीश महाराज प्रहलाद ध्रुव इस सब के सब वैष्णव हैं, इसलिए अगर ऐसे वैष्णव कोई हो जाए ना इससे बड़ा जगत में क्या हो सकता है। इसलिए कहते वैष्णव प्रभुपाद कहते वैष्णव प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा, हाँ निष्ठा करनी चाहिए किस चीज की, एक दिन कब हम शुद्ध वैष्णव हो पाए, आप वैष्णव का दासों का दासों का दास बन पाए, अगर ये अभिमान हमारे अंदर में आनी चाहिए हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं आर जिन निज के गुरु बाप बड़े मन करे तीनी गुरु है बार अयोग्य, जो व्यक्ति अपने आप को समझते हैं अरे हम तो बहुत बड़े गुरु हैं हम बहुत बड़े गुरु हैं, कहते भैया वो गुरु बनने का योग्य नहीं, गुरु बनने का योग्य नहीं। इसलिए श्री बावन गोस्वामी महाराज जब दीक्षा मंत्र देने जाते थे हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के पास में आते थे, बोले महाराज हमें आदेश दो ये पाप करने के लिए मैं जा रहा, कहते ये पाप कर्म करने के लिए मैं जा रहा, मेरे को आदेश प्रदान करो, मतलब इनके अंदर में कितने दीन ही निभाव है, इनके अंदर में कितना दीन ही निभाव की साधुओं के अंदर में है। इसलिए कहते अभिमान हाँ शिष्य कर तीन गुरु है बार योग्य नन भगवान न्याय जहार गुरु ते अचला भक्ति आछे सही गुरुनिष्ठ भक्त ही गुरु काज करते समर्थ, अरे गुरु का आज कौन कर सकता है, भले गुरु जी का काम वही कर सकता है हैं? जिनको उनको गुरु जी का प्रति भगवान जैसे अचला भक्ति हो, अपना गुरु जी के प्रति जिनको भगवान जैसे गुरुदेव कौन है, कहते ना संसार दावा नल लीड लोक
त्राणाय कारुण्य घन घनत्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कहते हैं कि शिष्य अपना गुरु जी को क्या मानते हैं, इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में बताए, यद्यपि आमार गुरु चैतन्य रे दास तथापि जानी आमी ताहर प्रकाश। कहते यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास, प्रभुपाद कह रहे हैं अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, जगत में ईश्वर कौन है, कृष्ण, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, जगत में कृष्ण को छोड़कर जगत में सब उनकी दास है, स्वयं बलदेव प्रभु भी अपने आप क्या मानते हैं, सेवक, पंचरस से दस शरीर से ठाकुर की सेवा करते हैं। राधा रानी क्या मानती है, दासी, हम श्याम सुंदर की सेविका हूँ, उनका जितने काय भी और गोपियाँ सब सेविका है, बलदेव प्रभु से जितने प्रकाश है सब सेवक है, इसलिए ईश्वर केवल कौन है, कृष्ण ही अकेले ईश्वर, आर सब भृत्य आर सब के सब उनका नौकर दास है। लेकिन तथापि जानिए आमी तार प्रकाश, लेकिन एक शिष्य अपना गुरु जी को क्या मानेगा, वो मानेगा यद्यपि कृष्ण प्रभु सब दास है, उसी दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव भी कौन बने, भगवान के सेवक बने, दास। लेकिन एक शिष्य गुरु जी को क्या मानेगा, कहते शिष्य गुरु जी को मानेगा ये भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह, कृष्ण की कृपा ही, कृष्ण कृपा ही एक मूर्ति ये गुरु को धारण करते हुए हमारे पास में आई, शिष्यों की भावना जाननी चाहिए। कहते ऐसे जो भगवान के प्रति जैसे उनकी निष्ठा है, ऐसे जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में भक्ति तुम्हारी भक्ति, ठीक ऐसे ही जिसको गुरु जी अपना गुरु जी के प्रति, ऐसे नहीं अपना गुरु जी के प्रति गुरु बुद्धि नहीं हुआ स्वयं गुरु बन गए, नहीं, अपना गुरु जी के प्रति जिसको ऐसे बुद्धि है, कहते भैया वही व्यक्ति ही गुरु बनने का लायक है, हैं, इसे क्या करनी चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए। तो गुरु जी का प्रति गुरु बुद्धि कब आएगा, जब हम गुरु जी की सेवा करेंगे ना, आदेश पालन करेंगे, तभी तो कोई गुरु बुद्धि आएगी, नहीं तो गुरु बुद्धि आएगी नहीं। इसलिए हाँ गुरु भक्ति, हाँ कहते भगवान ने यार गुरु तो अचला भक्ति आशी सही गुरुनिष्ठ भक्त ही गुरु काज करते समर्थ, ऐसी जो अचला भक्ति वही व्यक्ति ही गुरु का काम करने की वही केवल योग्य है, वही केवल योग्य है। इसलिए बोले गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।